नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के नामांकन पत्र भरने से पहले ही आज फतेहाबाद में आयोजित रोड शो के दौरान भाजपा नेताओं की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण एक गर्भवती महिला की जान आफत में फंस गई। दरअसल एक एम्बुलेंस गांव बड़ोपल से गर्भवती महिला को लेकर के फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान फतेहाबाद में हिसार रोड पर भूना मोड़ के नज़दीक भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का एक रोड शो में ट्रैफिक व्यवस्था के कारण और रोड शो में शामिल भाजपा नेताओं की गाड़ियां द्वारा आपस में साइड नहीं देने के कारण करीब आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस रोड के अंदर फंसी रही। एम्बुलेंस चालक सुभाष से जब पूछा गया तो उसने बताया कि एम्बुलेंस का सायरन लगातार बजता रहा, लेकिन कोई भी नेता इधर से उधर नहीं हुआ और ना ही किसी ने एम्बुलेंस को साइड दी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह उसने जबरदस्ती एम्बुलेंस को निकाला। हालांकि काफिले की एक गाड़ी ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में महिला जो गर्भवती महिला थी उसको चोट लगी, हाथ में चोट लगी है। फिलहाल गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। दूसरी तरफ पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की मुख्य उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरी वजह से अगर किसी को कष्ट पहुँचा है तो और परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था और किस दौरान ये गाड़ी आपकी फंसी एम्बुलेंस? ये मैं बड़ोपल से गाड़ी लेके चला था और एम्पेरी से डिलीवरी पेशेंट लेके आया हूँ। तो जैसे ही एम्पेरी से चला यहाँ फतेहाबाद पहुँचा था कि ये जाम लगा हुआ था, वहाँ पूरा फुल ऑर्डर देने के बाद भी कोई मेरे को रास्ता नहीं मिला है और गाड़ी वैसे ही खड़ी नहीं, तो किसी ने रास्ते देने की कोशिश की और नहीं कोई बात। तो किस कारण ये जाम लगा हुआ था कोई पता है आपको? ये बीजेपी वाले ही है, इनकी कोई वो रैली है, कोई अपने को नामांकन पत्र बनने जा रहे हैं, उन्हीं के झंडा वगैरह दिखाई दे रहा था मेरे को। तो आप सायरन बजाते रहे जी? हाँ, सायरन बजाता रहा। तो किसी ने रास्ता नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। तो फिर आप कैसे निकले वहाँ से? वो जाम खत्म होने के बाद ही फिर बाद में गाड़ी आके लेके आया हूँ। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा सुभाष चंद्र। कौन से गाँव से आए जी आप? क्या क्या दिक्कत थी? क्या प्रेगनेंसी है? एम्बुलेंस में थे जी आप? एम्बुलेंस जाम में फंस गई थी आपकी? आपके काफिले में भी एम्बुलेंस फंस गई थी, उसमें महिला की चोट भी आई है मैडम, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जो है उसमें मैं देखती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, मैं माफी मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को इतना सा भी कष्ट है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के उसके पांव पकड़ के माफी। थैंक यू। आपके काफिले में भी एम्बुलेंस फंस गई थी, उसमें महिला की चोट भी आई है मैडम, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जो है उसमें मैं देखती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, मैं माफी मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को इतना सा भी कष्ट है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के उसके पांव पकड़ के माफी। थैंक यू।